हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरी फ्लाइट है हैलिफैक्स टू दिल्ली वाया टोरंटो। सो आई विल गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकला हूँ। अभी यहाँ से हैलिफैक्स से टोरंटो के लिए लगेंगे ऑलमोस्ट 2 आवर्स, और फिर टोरंटो से दिल्ली के लिए वो डायरेक्ट फ्लाइट है। सो हियर वी गो। मैं हैलिफैक्स एयरपोर्ट पहुँच गया फाइनली। लेट्स गो इन। चेक इन करना बाकी अभी मेरा। सो अभी मैंने चेक इन करा लिया यहाँ पे, बिकॉज़ आई हैव अ OCI, सो आई हैव टू सी समवन, लाइक किसी एजेंट से ही बात आके डॉक्यूमेंट चेक करा के तभी मुझे बोर्डिंग पास मिले हैं। ऑनलाइन अलाउ नहीं कर रहा था। सो फाइनली आई बोर्ड द फ्लाइट। नाउ आई एम हेडिंग टू वॉच द टोरंटो। लेट्स सी, हाफ वे इज रिमेनिंग फॉर अनदर 1 more hour। सो आई एम अबाउट टू लैंड। अभी मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड कर गया हूँ, तो मुझे अभी फिर से डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत है नहीं। वो मेरा चेक इन ऑलरेडी हैलिफैक्स में हो गया है। सो अभी बस मेरे को गेट पे जाना है एयर कैनेडा की। इट्स अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम टोरंटो टू दिल्ली। सो एनीबडी हु हैज़ OCI और या फिर कोई स्टूडेंट या कोई भी है, तो अपना स्टूडेंट तो वैसे भी चेक इन कर सकते हैं अगर OCI वगैरह है किसी के पास, तो दे हैव टू लाइक यू नो सी समवन बिफोर दे बोर्ड देयर फ्लाइट, चाहे वो टोरंटो से दिल्ली हो या फिर हैलिफैक्स से। तो इट्स द सेम थिंग फॉर बोथ ऑफ देम। सो अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है अपने जोन के अकॉर्डिंग। तो मेरा जोन 3 है, सो प्रॉब्ली इट विल बी क्विक फॉर मी। वैसे लाइन तो काफ़ी लंबी थी। सो इट्स टाइम टू बोर्ड द फ्लाइट। आई जस्ट वॉन्ट टू अपडेट 1 more thing कि किसी को कोई फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई कोविड से रिलेटेड, ना कोई एयरपोर्ट से रिलेटेड, ना कोई वो इंडिया के एक एयरपोर्ट पे दिखाना होता है। देर इज़ नथिंग एल्स, फिलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो यू गाइज हैव टू हैव योर स्टडी, योर वर्क परमिट और पासपोर्ट, ऑल दोज थिंग्स। तो कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली इट्स टाइम टू बोर्ड। सो फाइनली अपनी सीट मिल गई है। 20A विंडो साइड है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी बाकी फिल होने में। मेरा जोन 3 था तो जल्दी आ गया मैं अंदर। सो फ्लाइट काफ़ी लंबी है, 14.5 hours की है ऑलमोस्ट। और अभी यहाँ से चले हैं, बस खाना वाना खा के फिर सोने ही है। सो होपफुली इसको ना भी ओके। और सो खाना आ गया अपना, अभी खा के सोना है। छोले दे रखे हैं, सैलड दे रखी है, पानी है, ब्रेड है और पास्ता है, और नॉनवेज के लिए नॉनवेज आइटम है। बाय द वे बाहर अच्छा व्यू है, अभी दिन भी है और अभी धूप भी दिखाई दे रहा है। सो ऐसे ही मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी नींद पूरी करूँगा और फिर से खाना आएगा। ये फिर से खाना आ गया है, अभी थोड़ा गुजराती टाइप ऑफ खाना है, तो उसके थोड़ी बाहर
अभी लैंड होना बाकी है, चलते हैं फिर बाहर। के लिए जा रहे हैं, बट स्पेशली दोज वन जिसके पास OCI है, दे हैव टू फिल अ फॉर्म उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप इंडियन पासपोर्ट आपके पास, सो यू डोंट हैव टू फिल एनी फॉर्म। सो यहाँ पे वो फॉर्म वगैरह मिल रहा था, सो अभी मेरे को फॉर्म भरना है एंड देन आई विल प्रोसीड फॉर द इमिग्रेशन। वैसे तो मैं थोड़ा जल्दी आया था उतर के कि जल्दी इमिग्रेशन हो जाए, बट पता नहीं था कि ऐसे फॉर्म भी फिल करना है, तो अब इसकी वजह से थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ेगा। सो लेट्स सी कितनी लंबी लाइन है। वैसे फॉरेन पासपोर्ट के लिए इतनी लंबी होती नहीं, बट लेट्स सी। सो फॉरेन पासपोर्ट के लिए तो इतना रश नहीं है, सो खाली दिख रहा है दो। लेट्स सी हाउ लॉन्ग डज इट टेक। लो भाई सिक्योरिटी होगी, 5.5 मिनट लग गए हैं, अब जा रहे हैं बैगेज के लिए। छोटी लाइन ही थी फॉरेन नेशनल्स के लिए जिसके पास OCI वगैरह है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ पूछा नहीं, ना कोई फिंगरप्रिंट लिए, बस स्टैंप लगाई कैनेडियन पासपोर्ट पे और बस डन, फिर कुछ पूछा ही नहीं। सो अब जा रहे हैं अपना लगेज लेने, लोजी लगेज गए अपने, और अब उठा के चलते हैं बाहर की तरफ। सो ओवरऑल ट्रिप वाज गुड, कोई इशू नहीं था, कहीं पे कोई ऐसी स्पेशल कुछ चेकिंग नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई कोविड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना इंडिया के लिए कोई फॉर्म भरना है ना कुछ और, बस वो OCI वालों के लिए छोटा सा फॉर्म भरना है। अपार्ट फ्रॉम इट ओवरऑल इट वाज गुड। सो अगर किसी को ट्रैवल करना है तो दिस, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइस, क्योंकि फ़िलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंडिया आने के लिए, एंड विद इन अ मंथ आई हैड टू रिटर्न बैक टू कैनेडा। सो अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक विद इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।